फागुन अमावस्या के मौके पर हजारों श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा और पूर्वजों का श्राद्ध करने प्रयागराज के संगम घाट पर पहुंचे। यहाँ पर है कि अमावस्या के दिन, आज ही नहीं, हम जितनी भी महीने की अमावस्याएं पड़ती हैं, हर अमावस्या को श्राद्ध और पिंड का विशेष महत्व है। और ये तो फागुन की अमावस्या है, इसमें क्या होता है कि लोग रंग का भी त्यौहार प्रारंभ कर देते हैं, और इसके साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा का विशेष आज प्रार्थना है। वो कहीं कहीं तो आज भगवान विष्णु की स्थापना पूजा का भी दिन है, आज हमारे ही पास भी भगवान विष्णु की पूजा होने वाली है। हिंदू कैलेंडर के फागुन महीने की अमावस्या को कई तरह के अनुष्ठानों के लिए शुभ माना जाता है। जानकारों का कहना है कि इस साल सितारों की चाल और ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे रहने वाले हैं। देखिए, फागुन मास के अमावस्या का एक विशेष महत्व है, क्योंकि ये 13-14 साल बाद ये ग्रह नक्षत्र आ रहे हैं, घंट योग है, और इतनी बढ़िया नक्षत्र वगैरह की गणनाएं बैठ रही है। और प्रत्येक अमावस्या में जो भी अमावस्या होता है 12 महीने का, उसमें चंद्रमा स्वल्प रूप होते हैं, लेकिन इस अमावस्या पर अर्धचंद्र होंगे, अर्धचंद्र रूप में होंगे और शिव शक्ति को प्रकाशित करते हैं। ये दिन वल्लभ संप्रदाय से जुड़े लोगों के लिए रंगों के त्योहार की शुरुआत का भी प्रतीक है। हम लोग जो है संगम स्नान करने आए हैं, और आज अमावस में जो हैगा स्नान किया, स्नान दान किया, और जो पितृ की जो है पितृ का श्राद्ध वगैरह किया जाता है, इसमें विशेष अमावस के दिन जो विशेष महत्व हैगा। अमावस में जो है भगवान विष्णु की जो है पूजा विशेष महत्व है। आज के दिन से जो है होली का उत्सव खूब मनाया जाता हैगा। फागुन अमावस्या के दिन श्रद्धालु गंगा स्नान करना बहुत शुभ मानते हैं। वैसे धर्म के जानकारों के मुताबिक किसी भी नदी में स्नान करना शुभ होता है।